क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको यूपी पुलिस की जो है आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा आपका, जनरल ओबीसी एससी एसटी की क्या कट ऑफ जाएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो है आंसर की है वो आपकी कल परसों में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी एक दो दिन में आपको मिल जाएगी। आज मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे के आसपास जो है आपके आंसर की जो है आने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है एक दो दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद पक्की है कि कल परसों में आपकी, काफ़ी उम्मीद है कि कल परसों में आपकी आंसर की आ जाएगी। फिर है दूसरा प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपका रिजल्ट जो है, मैं बता दूँ आपका 45 से 60 दिन के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आप ये मान सकते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। किसके 15 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं, सबसे मेन पॉइंट है जो हमारा कट ऑफ का, तो वो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जो जनरल वाले हैं उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो उसके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो जनरल वाले जो हैं उनकी कट ऑफ जो है आपकी 100 कितनी जाएगी, 100+, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी। और जो महिला हैं उनकी आप मान सकते हैं 90+, कितनी 90+, और जो पुरुष हैं उनकी जाएगी आपकी 100+। अब बात करते हैं EWS की, EWS जो है इसकी जो है क्या जाएगी, तो इसकी जो है 98 से लेकर और 100 के बीच आपकी कट ऑफ चली जाएगी। कितनी बताई मैंने, 98 से 100 के बीच। और जो महिला है उनकी जो है 88 से 90 के बीच जो है आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं हम ओबीसी की, कि ओबीसी की जो है क्या कट ऑफ जाएगी जो है पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में 95 से 100 तक की, कितनी कट ऑफ जाएगी, 95 से 100 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ चली जाएगी। और जो वुमेन में है वो आपकी 85 से 90 के बीच कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हम करते हैं एससी कैटेगरी की, किसकी एससी कैटेगरी की बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी में हैं जो पुरुष हैं उनकी लगभग मैं आपको बता दूं कि 85 से 90 के आसपास जो है उनकी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। कितनी 85 से 90 के बीच जो है पुरुष वर्ग की एससी की कट ऑफ जाने वाली की काफ़ी संभावनाएं हैं। और एसटी जो है आपका वो एससी फीमेल जो है उनकी 75 के आसपास, 70 पे भी मान सकते हैं, 75 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जो है जाने की उम्मीद है। फिर बचता है आपका एसटी वर्ग, तो एसटी वर्ग में लगभग पुरुष में जो है आपकी 75 के आसपास चली जाएगी, 75+ या 75 के आसपास, और वुमेन में जो है वो आपकी 65+ के आसपास कट ऑफ जाने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर ना तो इजी था और ना ही बेहद हार्ड था, तो इसी के बीच जो है आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।